सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूर्व मंत्री ने ली बैठक, कलेक्टर एसपी संभाग आयुक्त सहित नवागढ़ डीन रहे मौजूद। राजेश शुक्ला ने कहा, पलायन कर रहे चिकित्सकों की समस्या एक सप्ताह में हो जाएगी दूर। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला के द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं को संबंध में बैठक ली गई थी। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं संबंधित चर्चा की गई, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प, संभाग आयुक्त अनिल सुचारी, श्यामशा मेडिकल कॉलेज के नवागढ़ डीन डॉक्टर देवेश सरस्वत, एसपी नवनीत बसीर सहित कई अधिकारी एवं चिकित्सकगण उपस्थित रहे। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक 1000 के करीब एंजियोप्लास्टी का सफल ऑपरेशन चिकित्सकों के द्वारा किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 900 मरीजों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, वह उद्देश्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान चिकित्सकों के पलायन करने की बात पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि चिकित्सक जिन कारणों से परेशान हैं, उनका निराकरण एक सप्ताह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। जिन नियम एवं शर्तों पर उन्हें रखा गया था, उन शर्तों को पूरा किया जा रहा है। अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चिकित्सक पलायन नहीं करेंगे, बल्कि कई अन्य चिकित्सकों को लाने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा निर्माणाधीन जीएमएच में नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रसूता एवं शिशु भवन का संचालन होना है। आपको बता दें कि गांधी मेमोरियल अस्पताल के लिए बच्चा वार्ड को नया स्वरूप दिया जा रहा है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये बैठक ली गई थी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, क्या विषय पे बैठक हुई, क्या चर्चा? देखिए, ये रूटीन बैठक है हर महीने सुपर स्पेशलिटी में। मैं सभी इश्यूज पे एक चर्चा के लिए बैठक करता हूँ, और उसमें वो सारे विषय जो इस अस्पताल के संचालन के लिए ज़रूरी हैं, वो डॉक्टरों के सेवा शर्तों के पालन से संबंधित हो, या यहाँ के संचालन से संबंधित हो, यहाँ मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने से संबंधित हो, उस पर यहाँ पर चर्चा होती है और उसके बाद उस पर निर्णय होते हैं। इसीलिए हमें ये खुशी है कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश में, वो नंबर वन पे है। 1000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिसमें 900 आयुष्मान कार्डधारियों का है, मतलब गरीबों की एंजियोप्लास्टी जो 2 लाख रुपये में होती है, वो यहाँ मुफ्त में हो रही है। तो जिस उद्देश्य के लिए इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को बनाया गया था, गरीबों के इलाज के लिए, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। अभी बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ डॉक्टर यहाँ से पलायन करके दिखाई दिए, तो इनको कैसे पूरी हो पा रही है? नहीं, हम लोगों की यही कोशिश है कि यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा उनके इस प्रकार से रहे कि यहाँ से कोई भी डॉक्टर बाहर ना जाएँ, बल्कि बाहर के लोग और यहाँ आएँ। एक डॉक्टर ज़रूर उन्होंने बाहर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बाकी आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि और कई डॉक्टर्स हमको मिल जाएंगे। कैसे लाएंगे बाहर से डॉक्टर, क्योंकि जो यहाँ के हैं वही छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट ओबीडी चालू होनी थी शायद ओबीडी। नहीं, कोई छोड़ के नहीं जा रहे हैं। कौन छोड़ के गए हैं? डॉक्टर सुमित्र थे और एक डॉक्टर इंदौर में, उनका वो भी गया है। इंदौर में एक डॉक्टर गए, उनका वो भी गया। तो एक डॉक्टर गए ना, और दो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर ने ऑलरेडी रिजाइन के लिए समय दिया हुआ कि एक महीने तक अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो उसके बाद तो उनकी मांगे पूरी हो गई। प्राइवेट ओबीडी क्या चालू हो जाएगी सर? हो जाएगी, पेड ओबीडी सेवा शर्तों में है, तो एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा सर। कुछ क्यों एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा सर? कुछ हाउसकीपिंग का स्टाफ है, उनका आयुष्मान का भी पैसा अभी तक नहीं रिलीज, वो भी एक हफ्ते में मिल जाएगा। कम से कम 100 लोग हैं, डॉक्टरों को मिलने वाला इंसेंटिव सब एक हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगा।